न इसमें कोई हलचल हो सनम पे हा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस व्हाट्सएप स्टेटस को देखें, आज मैं आपको कुछ इस तरह का स्टेटस एडिट करना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको दो फोटो का जरूरत पड़ेगा और उन दोनों फोटो का दोस्तों आप पीएनजी निकाल लीजिएगा। अगर आपको फोटो का पीएनजी निकालना नहीं आता है तो मैंने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वाले वीडियो का लिंक देके रखा है, जिस वीडियो को देख के दोस्तों आप अपनी फोटो का पीएनजी निकाल सकते हो। अब आपको इस वाले प्लस के मार्क में क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपका जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर ओपन कर लेनी होगी। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि इस वाले वीडियो एडिटिंग में जितने सारे मटेरियल्स यूज होंगे, यानी जो फोटो है, वीडियो है, पीएनजी है, उन सारे मटेरियल्स का लिंक मैंने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। आपको दोस्तों उन सारे मटेरियल्स को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों सबसे पहले आपको जो बैकग्राउंड वाला वीडियो है उसको आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। उसके लिए गाइस आपको राइट साइड के मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है और यहाँ से गाइस आपको बैकग्राउंड वीडियो को फाइल को सिलेक्शन करनी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मेरे बैकग्राउंड वीडियो को फाइल है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद जो आपको राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है और यहाँ से गाइस आपका जो फोटो का पीएनजी है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रियाज भाई के एक फोटो को सिलेक्शन किया हूँ। अब आपको इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा करना होगा। बड़ा कर लेने के बाद गाइस आपको जो राइट साइड में आपको यहाँ पर एक ओपेसिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसमें क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से गाइस इसको आपको 70% में आपको रख देनी है। रख देने के बाद गाइस आपको बैक करके आना होगा। आने के बाद आपको जो कॉर्पिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको दोस्तों इस बार कॉर्पिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस कुछ इस प्रकार से आप इतना दूर तक रखिएगा। रख लेने के बाद गाइस आपको मास्क को आपको ऑन करना है और इसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद गाइस इसका ड्यूरेशन को आपको वीडियो के एंड तक कर देना होगा। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से गाइस आपको इस जगह पे आना होगा जहाँ फ्रेंड्स आपका जो बादल है वो गरज रहा है। इस जगह पे आने के बाद आप इस वाले लेयर में क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ से गाइस आपको ब्रोकन ग्लास का दोस्तों जो फोटो है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ब्रोकन ग्लास का फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको जो ब्लैक स्किन है इसको आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए गाइस आपको जो राइट साइड के लास्ट में ब्लेंडिंग का ऑप्शन है आपको इस बार ब्लेंडिंग में क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप स्किन पे सिलेक्शन करके कुछ इस तरह से आपको जो ग्लास इसको ट्रांसपेरेंट बना लीजिएगा और कुछ इस तरह से गाइस इसको बड़ा कर लीजिएगा और यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देनी है। एडजस्ट कर देने के बाद इसका ड्यूरेशन को आपको वीडियो को एंड तक कर देना होगा। अब फिर से आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना है। आने के बाद इस वाले लेयर में क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करके दोस्तों अभी गाइस आपका जो सेकंड पीएनजी है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मेरा सेकंड पीएनजी है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले लेयर में पकड़ के कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा करना होगा और इस जगह फ्रेंड्स इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा। एडजस्ट कर देने के बाद दोस्तों इसका ड्यूरेशन का को वीडियो के एंड तक कुछ इस प्रकार से कर देनी है। अब फिर से दोस्तों आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद गाइस आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करके दोस्तों अभी गाइस आपका जो हार्ट का पीएनजी है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करनी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हार्ट का पीएनजी है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से छोटा कीजिएगा और इस जगह पर फ्रेंड्स इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जो ओवरले एनिमेशन दिख रहा होगा देख सकते हैं, आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपका जो हार्ट है कुछ इस तरह से इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और गाइस इसका ड्यूरेशन को वीडियो के एंड तक कर देना है। अब दोस्तों फिर से आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना है। आने के बाद इसी वाले लेयर में क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करके दोस्तों अभी गाइस आपका जो स्मोक वाला वीडियो है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी और ब्लैक स्किन को रिमूव करने के लिए दोस्तों सेम इसी तरह से आप ब्लेंडिंग में जाइएगा, स्किन पर सिलेक्शन करके दोस्तों आप यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका जो ब्लैक स्किन है इसको आप रिमूव कर लीजिएगा और इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से बड़ा करना है और इस जगह फ्रेंड्स को आप यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा। एडजस्ट कर देने के बाद लास्ट गाइस आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना होगा, मीडिया पर सिलेक्शन करके दोस्तों अभी गाइस आपका जो टेक्स्ट वाला वीडियो है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करनी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे जो टेक्स्ट वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से फुल स्क्रीन में कीजिएगा और इस जगह पर फ्रेंड्स को आप यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद सेम इसी तरह से गाइस आपको जो ब्लैक स्क्रीन रिमूव करने के लिए ब्लेंडिंग में क्लिक करके स्क्रीन पर आप सिलेक्शन कर दीजिएगा और इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आप वीडियो के एंड तक कर दीजिएगा।
और गाइस अभी अगर अपना वीडियो में अगर फ्रेम लगाना चाहते हो तो गाइस आप कुछ इस तरह से आप यहाँ पर फ्रेम के पीएनजी को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा और इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कीजिएगा। अब गाइस आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब अगर अपना वीडियो को प्ले करके आप देखोगे तो आपका वीडियो गाइस अभी कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। अब गाइस आपको ऊपर में शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, इस वाले शेयर में क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेनी होगी।